हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, इसमें डिस्कस किए गए टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो ये टॉपिक समझने में आपको समस्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। दूसरा टॉपिक है घटनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं, जिनको आपको कंप्लीट देखना है। साथ ही साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना दीजिएगा, क्योंकि अभी डियर स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर की नींव रख रहे हैं। अगर आप अभी से लापरवाही कर देंगे तो आगे आपको समस्या होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। आपको याद होगा क्या डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। ध्यान सुनते चलिएगा, ठीक है? प्रतिदर्श समष्टि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, आपको बताया गया था कि जब हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जितने रिजल्ट्स आते हैं, जिनके आउटकम्स आते हैं, उन्हीं के कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया था टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये इसका सैंपल स्पेस बनता था। या एक पासे को, एक डाई थ्रो किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 ये बनेगा, ये सैंपल स्पेस होता है। ऐसा हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस हुआ था, जिसका नाम है घटना। क्या है? घटना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। हमने आपसे कहा था कि कोई भी घटना अपने सैंपल स्पेस का सबसेट होती है। जैसे एस इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये लिख दिया गया, एक सैंपल स्पेस बन गया। किस परीक्षण का? एक पासा फेंका गया, उसका सैंपल स्पेस ये बनाया गया है। अब अगर हम लूडो खेल रहे हैं, हमें ज़रूरत है किस चीज़ की? हम चाहते हैं कि हमारा इवेन आ जाए, तो 2, 4 और 6 ये हमने लिख दिया। तो ये जो ई है, यह एक इवेंट है। कोई चाहता है कि सर मेरा 1 आ जाए या 6 आ जाए, तो ये भी एक क्या है? इवेंट। ऐसा हमने डिस्कस किया था। अब एक वर्ड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अकरिंग ऑफ अ इवेंट। ध्यान दो बच्चों, अकरिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है? किसी घटना का होना, या इसको बोलते हैं घटना का घटित होना। क्या बोलेंगे? घटना का घटित होना। सुनते चलिएगा ध्यान से और इसको नोट करते चलिएगा। अकरिंग ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटित होने का क्या मतलब है, जरा ये समझिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स कहा जाए कि एक पासा फेंका गया, इस घटना ई की बात हो रही है। ये घटना घटित कब होगी? जब पासे को फेंकने पर 2, 4 या 6 तीनों में से कोई एक, देखो तीनों तो आ नहीं सकते ना, पासा फेंकेंगे तो कोई एक ही तो आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 6 आएगा, कोई एक ही आ सकता है। तो पासे को फेंकने से इसमें से कोई भी एक आ जाए तो घटना ही घटित हो गई। मतलब पासा फेंके, 2 आ गया, इसका मतलब घटना ही घटित हो गई। 4 आ गया तब भी इसका मतलब होगा घटना ही घटित हो गई। लेकिन अगर 5 आ गया तो 5 तो इसके अंतर्गत नहीं है, और इसके अंतर्गत नहीं है इसका मतलब तब घटना ही घटित नहीं होगी। तो किसी घटना के घटित होने का मतलब आपको समझ में आ गया, उस घटना के अंतर्गत जो एलिमेंट्स हैं उसमें से किसी एक एलिमेंट का आ जाना, कोई भी एक एलिमेंट अगर उसमें आ जाता है तो इसका तात्पर्य है कि वो घटना क्या हो गई? घटित हो गई। वो घटना अकर्ड हुई, मींस अकरिंग ऑफ द इवेंट, ऐसा बोला जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब अगला टॉपिक हम समझते हैं भैया,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड इवेंट, ध्यान सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ध्यान दो क्या टॉपिक है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। कोई घटना घटित होगी, कोई इवेंट होगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसको कैसे पता किया जाता है। तो आपको याद होगा तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि क्या होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता, PE = NE/NS। ये मैंने आपको सिंपल से बताया था कि अगर कोई इवेंट ई है, ध्यान सुनिए, अगर कोई इवेंट ई है तो उस इवेंट ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस के बराबर होती है, जिसको हम छोटी क्लास में अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति के नाम से जानते हैं। अब जैसे अगर हमें इस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो PE = क्या आएगा बताइए, अनुकूल परिस्थिति कितनी है 3 और कुल कितनी है 6, तो 3/6, तो PE इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। वैसे ही अगर हम इस इवेंट की निकालना चाहें, मींस PF का निकालना चाहें, तो क्या होगा, NF होगा अपान में NS होगा, तो NF कितना है यहाँ बताइए 2 है और NS यहाँ 6 है, दैट मीन्स 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित होने का मतलब। इतनी बात आपको समझ में आ गई, प्रदर समस्थ हमारा पुराना ही टॉपिक था, घटना क्या है भी आप समझ गए। हमने यहाँ पे बताया अकरिंग ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने का क्या मतलब होता है, ठीक है, और घटना के घटित होने की प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। इतनी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करी हैं, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ने चल रहे हैं घटनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रकार हम सभी लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हमें पता होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके बिहाव पर हम आगे अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। ध्यान से सुनना, टोटल आपको 7 घटनाएं बताई जाएंगी जो आपकी बुक में दी गई हैं, ठीक है, उनको ध्यान से आपको समझ लेना है और उनको नोट कर लेना है। पहली है निश्चित तथा अनिश्चित या असंभव घटना, घटनाओं के प्रकार हेडिंग बनाइएगा और जितनी घटनाएं बताएंगे समझाएंगे उनको नोट करते हुए चलिएगा, एग्जांपल लिखते हुए चलिएगा। क्या लिखे हम, घटनाओं के प्रकार, इसमें से पेपर में पूछा जाता है घटनाओं के प्रकार, ठीक है, इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है, घटनाओं के प्रकार, जिसमें से पहली घटना है डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं निश्चित घटना, श्योर इवेंट, ठीक है। पहली घटना कौन सी है, निश्चित घटना है, लिखिएगा क्या है, निश्चित घटना, निश्चित घटना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेयोर इवेंट, सेयोर बोलते हैं, आर इसी को सर्टेन भी बोला जाता है, सर्टेन इवेंट, ठीक है, निश्चित घटना होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता 1 हो, ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता कितनी हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, निश्चित घटना बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं ऐसी घटना, ऐसी घटना जिसके जिसके घटित होने की प्रायिकता क्या हो, होने की प्रायिकता 1 हो, ठीक है, 1 मतलब 100% हो गया, कौन सी घटना कहलाती है, निश्चित घटना, ठीक है, निश्चित घटना कहलाती है, ऐसी इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 हो, अर्थात 100% हो, उसी को हम क्या कहेंगे, निश्चित घटना कहेंगे। आइए हम कोई एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक डाई को थ्रो किया गया, तो डाई को थ्रो करने पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 ये आएगा,
मान लो किसी इवेंट ई की बात हो रही है, ई में क्या कह रहा है कि अकरिंग अ नंबर, ध्यान दो, अकरिंग अ नंबर लेस देन सेवन। यहाँ ऐसी इवेंट की बात हो रही, कह रहे हैं कि ई एक घटना है, कैसी घटना है कि पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आना। अब जरा बताओ इसके हिसाब से अगर हम ई को सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सब 7 से छोटी हैं, तो पूरा का पूरा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पूरा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताइए, आ जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर हम पी ई निकालेंगे तो क्या होगा, एन ई अपान एन एस हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, पी ई इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हैं 6, और यहाँ भी कितना है 6, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए, 1 आ जाएगी। तो इस केस में इसको हम बोलेंगे कौन सी इवेंट, श्योर इवेंट, निश्चित घटना या सर्टेन इवेंट के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता क्या हो, 1 हो, अर्थात 100% हो, उसे हम क्या बोलेंगे, निश्चित घटना, श्योर इवेंट कहेंगे। दूसरी घटना है डियर स्टूडेंट्स असंभव घटना, अनिश्चित, या उसको हम बोल सकते हैं असंभव घटना, क्या बोलेंगे सुनते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, अनिश्चित अनिश्चित या इसको बोलेंगे असंभव असंभव घटना, अनसर्टेन या इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे अनसर्टेन बोल दें आर इम्पॉसिबल इवेंट हम इसे बोल सकते हैं। इम्पॉसिबल मतलब जो संभव ना हो, तो ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता 0 हो, क्या बोलेंगे ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता 0 हो, ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे अनिश्चित घटना बोलेंगे। डेफिनेशन लिख देंगे क्या भैया, ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, जिसके घटित होने की प्रायिकता क्या हो, 0 हो, 0 हो, कौन सी घटना कहलाएगी अनिश्चित या असंभव, अनिश्चित घटना कहलाती है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, उबिएगा नहीं, टॉपिक को समझते चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। क्या कहलाती है अनिश्चित घटना, यहाँ पर ये कहलाती है। इसका कोई एग्जांपल जरा हम ले लें, एग्जांपल, ठीक है, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्के को उछाला गया, सिंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड कामा टेल ये बनेगा। अब मान लो किसी इवेंट ई की बात हम करने लगे, कमिंग टू हेड, किसकी बात कर लें भैया, कमिंग टू हेड है ना, कमिंग टू हेड, कह रहे हैं कि एक सिक्के को उछाला जाता है और 2 हेड आना, ये इवेंट बनाने के लिए कह रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ है, इसमें कहीं 2 हेड दिख रहा, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ फाई मिलेगा, फाई माने इम्पटी से। तो यहाँ पर जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट पता करेंगे तो ये कितना होगा, 0 यहाँ अपान में कितना होगा 2, दिस इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट बिकम्स 0। तो इस तरह की जो इवेंट होगी वो क्या कहलाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगी, असंभव घटना कहलाएगी। एकदम स्पष्ट है, आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी गई है, ऐसी घटना ऐसी इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, वो श्योर आर सर्टेन इवेंट है, ऐसी इवेंट जिसके होने की जो प्रायिकता है, जो संभावना है, वो 0 है, वो अनिश्चित घटना कहलाती है। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, पासे वाला लिखना चाहें तो, जैसे आप कैसे एक पासे को फेंका जाता है और कह दिया जाए कि 6 से बड़ी संख्या आना, जब पासे को फेंका जाएगा तो 6 से बड़ी संख्या आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि पासे में क्या आता है 6 मैक्सिमम आएगा, 6 से बड़ा संख्या उसमें होता ही नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगी इम्पॉसिबल। कुल मिला के जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो वही इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे कह दिया जाए कि एक बकेट में 10 बल्ब रखे हुए हैं, 10 के 10 बल्ब फ्यूज हैं, उसमें से एक बल्ब निकाला जाता है,
उसका सही पाया जाना। तो ज़रा सोचो, अगर 10 के 10 बल्ब फ्यूज हैं तो एक बल्ब उसमें से आप निकालेंगे तो वो भी फ्यूज ही होगा, वो सही नहीं होगा। इसका मतलब जिस इवेंट की बात यहाँ कर रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सी इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है। आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़रा हम आगे बात करते हैं जो कि है डियर फ्रेंड्स पूरक घटना, जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से चलना, ठीक है? ध्यान से समझते चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। उम्मीद करते हैं कि कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठे होंगे, ठीक है? कॉपी और पेन लेकर के आप सभी लोग बैठे होंगे और टॉपिक को नोट करते हुए चल रहे होंगे। इधर थोड़ा कम दिख रहा था, ठीक है, अब दिखने लगा होगा पूरा, ठीक है। अगली घटना के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स पूरक घटना। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ध्यान से समझते चलिएगा, हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाए बट इम्पॉर्टेंट होगा लेक्चर, इसलिए ध्यान से समझना, सारे टॉपिक को समझ करके नोट करते हुए चलना। पूरक घटना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, पूरक घटना जिसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पूरक घटना क्या होता है? आप लोगों ने पूरक समुच्चय पढ़ा होगा तो उसी से बना हुआ है पूरक घटना, ठीक है। बड़ा आसान होता है, कहते हैं यदि यदि कोई यदि ई कोई घटना है, यदि ई कोई क्या है, यदि ई कोई घटना है तो इसकी पूरक घटना को, इसकी पूरक घटना को ई बार से, ऊपर बार लग जाएगा, ई बार से प्रदर्शित करते हैं। ई बार से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जहां पी ई बार बराबर होता है 1-PE के। मतलब जब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 में से, तो उसकी पूरक घटना आ जाएगी। एक तो डेफिनेशन ये लिखी हुई है बुक में, इसको हम लोग पीई नॉट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक घटना को पीई नॉट भी पढ़ा जाता है। इसको क्या बोलेंगे? पीई नहीं। क्या पढ़ा जाएगा? पीई नहीं, मतलब घटना ई का ना होना, या इंग्लिश में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? पीई नॉट बोलेंगे, ठीक है। और इसका नोटेशन क्या होगा? पीई के ऊपर बार लगेगा, कहीं कहीं हो सकता है पीई के ऊपर डैश भी लगा हो, तो बोथ आर सेम, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपने कोई सैंपल स्पेस बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक सिंपल सा सैंपल स्पेस बना रहे हैं कि एक डाई को थ्रो किया गया है, ठीक है, ये हमने एक सैंपल स्पेस बना लिया। अब सपोज करिए इसकी इवेंट हमने बना लिया, वो कौन है? 2, 4 और 6 है। अब हमें ई बार निकालना है, तो ई बार का मतलब होगा एस माइनस ई, एस में से ई को हटा दीजिए, तो ई बार इक्वल टू क्या आएगा? ज़रा देखो, एस में से ई बताओगे बचेगा कितना? 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा, जो बचेगा वही ई बार होगा। इसकी प्रॉपर्टी होगी कि जब हम ई और ई बार का यूनियन निकाल देंगे तो सैंपल स्पेस के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो ये ई बार जो है इसका मतलब ई नॉट है, या ई की पूरक घटना इसी कहते हैं। इसको हम लोग ई डैश से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा पूरक घटना क्या है, इसमें किस तरीके से नोटेशन का यूज़ करते हैं, किस तरीके से एग्जांपल में हम यूज़ करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो कहीं आपसे कह दिया जाए पी ए नॉट पता करो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 1-PE होगा। और केवल ए नॉट पता करने के लिए कहा जाए तो यस माइनस ए होगा। सिंपल स्पेस में उस इवेंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, निकाल दोगे, उसमें से अंतर निकाल लोगे तो ए डैश आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली घटना है डियर स्टूडेंट्स हमारी स्वतंत्र घटना, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ध्यान से सुनते और समझते चलिएगा, जितनी भी इवेंट यहाँ बताई जा रही हैं ये सारी की सारी इवेंट इम्पॉर्टेंट हैं, आगे चल के इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है।
इसलिए खूब ध्यान से आप इनको समझते हुए चलेंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने ना आए। ठीक है, अगली कौन सी घटना है भैया? स्वतंत्र घटना, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन सी घटना है? स्वतंत्र घटना। ठीक है, स्वतंत्र घटना, जिसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक, अगर किसी एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर ना पड़े, ठीक है, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र घटना कहेंगे। दो या दो से अधिक परस्पर स्वतंत्र कही जाती हैं। यदि एक घटना के घटित होने से दूसरे के घटने पर या नहीं घटने पर कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे आप एक पासे को फेंकें तो दो पासे और हम फेंकते हैं तो पासे पर दो आए या छः आए, दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। या आप ऐसे कह दीजिए कि एक सिक्का इस हाथ में ले लो, एक सिक्का एक साथ में ले लो, एक सिक्के को उछालो इधर, एक सिक्के को उछालो इधर, इस सिक्के पर हेड आएगा या टेल आएगा, उसका इस वाले सिक्के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो घटना है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र घटना बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात है ना? तो आप लोगों को मैं ये बोल दे रहा हूँ, जरा आप लोग इसको लिखते चलिएगा। डेफिनेशन मैं अब नहीं लिखूँगा यहाँ पर, स्वतंत्र घटना में लिख देंगे आप लोग दो या दो से अधिक घटनाएँ जिनके घटित होने या ना होने का एक दूसरे पर प्रभाव ना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वतंत्र घटना बोलेंगे। जैसे दो पासे हैं, एक पासा इधर से एक पासा इधर से, अलग अलग पासे को उछाला जाता है, तो इस पासे पे दो आए, चार आए, छः आए, या इस पे जो है तीन आए, इन दोनों का एक दूसरे से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं उनको क्या बोलेंगे? स्वतंत्र घटना बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। अगला है परतंत्र घटना। क्या है बच्चों? परतंत्र घटना, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अब अगर हम ऐसी इवेंट का की बात करें कि अगर एक इवेंट का दूसरी इवेंट पर प्रभाव पड़े, तब वो परतंत्र घटना अर्थात डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगी। जैसे मान लो एक ताश की गड्डी है, ध्यान सुनिए हमारी बात को, अगर एक ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए और उसके बारे में जानकारी हमें देनी हो, ठीक है, और अगर दोबारा फिर एक पत्ता निकालना हो, उसके बारे में जानकारी देनी है, को पत्ता कैसा है, मतलब किंग है कि क्वीन है, क्या है, तो अगर पहला पत्ता आपने निकाल लिया और उसके बाद उसको उसमें रख के दोबारा फिर निकाला, तो फिर वैल्यू सेम होगी, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा दोबारा निकालने पर, क्योंकि उसको आपने फिर उसमें रख दिया। लेकिन अगर किसी ताश की गड्डी में से एक पत्ता आपने निकाल लिया और निकाल के उसको किनारे रख दिया, फिर दूसरा पत्ता हम निकाल रहे हैं, तो पहले पत्ते और दूसरे पत्ते के निकालने का प्रभाव उस पर पड़ेगा। नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जरा समझो। जैसे एक बकेट में 5 जो है फ्यूज बल्ब हैं और 5 ठीक बल्ब हैं, ठीक है। अब उसमें से एक बल्ब निकालने की बात हो रही है, एक बल्ब को निकालें, ठीक है, मान लो हम बल्ब को अच्छा पाना चाहते हैं, या मान लो फ्यूज बल्ब निकालना चाहते हैं, एक बल्ब निकाल दिया हमने, ठीक है, तो पहली बार उस बल्ब के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी या उसके फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जरा बताइए? 5/10 होगी, मींस 1/2 होगी, क्योंकि टोटल बल्ब वहाँ पर 10 है और फ्यूज बल्ब कितने हैं? 5, प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। अब जरा सोचो, मान लो एक बल्ब आपने निकाल लिया और निकाल के उसको रख दिया, दोबारा उसमें जब नहीं रखा, जब उसमें से एक बल्ब निकालेंगे, तो इसके पहले सिलेक्शन 10 बल्बों से हुआ था, अब सिलेक्शन केवल 9 बल्बों से हो रहा है, तो पहले वाले बल्ब को जो निकाल के बाहर रख दिया गया है, उसका प्रभाव अब दोबारा निकाले गए बल्ब पर पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होंगी, इस प्रकार की जो इवेंट होंगी, उनको हम परतंत्र घटना के नाम से जानेंगे, उनको हम डिपेंडेंट इवेंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। अगली इवेंट जो है डियर फ्रेंड्स, वो है परस्पर अपवर्जी घटनाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी घटनाएँ? परस्पर अपवर्जी घटनाएँ, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई, ध्यान सुन लीजिएगा। ऐसी घटना जिसका एक दूसरे पर प्रभाव ना पड़े,
या जिनमें यदि एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना घटित ना हो, एक घटना हो लेकिन दूसरे को वो रोक दे, एक घटना हो और दूसरी घटना को क्या करे वो रोक दे, तो उस सिचुएशन में वो कौन सी होगी? परस्पर अपवर्जी घटना होगी। जैसे एक क्वाइन को हमने टॉस किया तो अगर हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आ जाएगा तो हेड नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ रही? समझ आ रही है? अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आ गया। तो एक सिक्के को फेंकने पर हेड आना और टेल आना, ये कौन सी घटना है? परस्पर अपवर्जी घटना है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी एक घटना का घटित होना दूसरी घटना पर प्रभाव डालता है, तो इसको भी कई लोग परतंत्र घटना या इसको डिपेंडेंट इवेंट के नाम से समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है परस्पर अपवर्जी घटना में क्या होगा, अगर एक घटना होगी दोबारा दूसरी घटना को होने ही नहीं देगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। दूसरी घटना होगी तो परतंत्र वाले में दूसरी घटना होगी तो, लेकिन पहली वाली का दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं दूसरी घटना होगी नहीं। और इसमें क्या है, एक होगी दूसरे को रोक देगी। जैसे एक पासे को फेंके, अगर पासे को फेंकने पर पांच आ गया तो फिर कोई और अंक वहां नहीं आएगा। तो ये कौन सी घटना हो गई? परस्पर अपवर्जी घटना हो गई। ऐसी दो घटनाएं जो साथ साथ हो ही नहीं सकती हैं, वो होगी तो वो नहीं होगी और वो होगी तो वो नहीं होगी, दोनों घटना एक साथ नहीं हो सकती हैं। उस प्रकार की घटना को, उस प्रकार की इवेंट को हम क्या बोलेंगे? परस्पर अपवर्जी घटना बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगला है डियर स्टूडेंट संयुक्त घटनाएं। कौन सी घटनाएं? संयुक्त घटनाएं या संयुक्त घटना, ध्यान सुनते चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स। क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, लिख रहा है जब दो या दो से अधिक घटना एक साथ घटित हो, अर्थात उनका घटना एक दूसरे से संबंधित हो, तो संयुक्त घटनाएं कहलाती हैं। जैसे दो घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं, जैसे वही जो आपकी ये डिपेंडेंट है उसी को बोला जा रहा है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर आई संख्याओं का योग न होना एक संयुक्त घटना है। ठीक है, जैसे आप एक पासे को आप फेंकेंगे तो एक पासे को फेंकने पर तो नौ तो आएगा नहीं, लेकिन दो अलग अलग पासों को फेंकेंगे फिर दोनों का सम कह रहे हैं कि नौ आए, तो इसमें दोनों का योगदान है, पहले पासे का भी दूसरे पासे का। तो यह इवेंट कैसी इवेंट है? संयुक्त है, इसका और इसका कंपाउंड फॉर्म है, तो इस प्रकार की घटना को संयुक्त घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद है डियर स्टूडेंट सर्वसमावेशी घटनाएं, एग्जास्टिव इवेंट्स। इसको बोलते हैं किसी यादृच्छा प्रयोग में संबंधित घटनाएं जिनमें कम से कम एक का घटित होना आवश्यक है, सर्वसमावेशी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे किसी सिक्के के उछाल में शीर्ष या पुच्छ का आना निश्चित है, जब कोई भी इवेंट हो तो वो अनसर्टेन ना हो, मतलब या ना तो अनिश्चित हो, ठीक है, मतलब उसमें से कम एक घटना होने की संभावना वहाँ पर हो, तो उसको हम बोलेंगे सर्वसमावेशी घटनाएं, एग्जास्टिव इवेंट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग इसको आप लिख लीजिएगा। कौन सी घटना है भैया? सर्वसमावेशी घटनाएं। क्या है? सर्वसमावेशी घटना, ठीक है, इसको एग्जास्टिव इवेंट्स के नाम से जाना जाता है, ई एक्स एच ए यू एस टी आई वी, एग्जास्टिव इवेंट्स। ठीक ना, जैसे अभी मैंने बताया ना कि दो पासे फेंकेंगे तो दोनों का सम, दोनों का योग नौ या नौ से अधिक आना, यह एक एग्जास्टिव इवेंट्स है क्योंकि इसमें दोनों पासों का योगदान हो रहा है। तो ये हमने आपको कुछ घटनाओं के प्रकार डियर स्टूडेंट्स बताया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो घटना महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, वो है परस्पर अपवर्जी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिया, ज़रा इस पर हम एक बार विचार कर लें, फिर जिससे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अभी तक आप सब लोगों को ये पता है कि आप ये सीख चुके हैं कि परीक्षण क्या होता है, यादृच्छा परीक्षण क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस क्या होता है, घटना क्या होती है, घटना का घटित होना क्या होता है, घटनाओं के प्रकार कितने होते हैं, प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डियर फ्रेंड्स कि प्रायिकता क्या होती है और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद संपूर्ण प्रायिकता का क्या मतलब होता है, घटना के अनुकूल तथा प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होते हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम लोग थोड़े से डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे थ्योरम को पढ़ते हुए, कंसेप्ट को पढ़ते समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके हम लोग इसको सीखेंगे समझेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अभी तक जितना टॉपिक मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे टॉपिक आप सभी लोगों को इसके बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।